सो आज की वीडियो में सिंपल सी ट्रिक लेके आई हूँ, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है बहुत ही सिंपल सी है और सिंपल के साथ साथ ट्रिकी भी है, क्योंकि ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। क्योंकि जो घर में किचन में चीज़ यूज़ करते हैं उस चीज़ से अपने फेस को वाइटनिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चावल तो राइस हम सब खाते हैं, हाँ उसको पसंद भी बहुत लोग करते हैं। जैसे चावल की रंगत सफ़ेद है तो जो उसका पाउडर है वो भी हमें हमारी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आपने क्या करना है, चावल लेने हैं, चावल आपने पीस लेने हैं, थोड़े से पीस लेने हैं। पीसने के बाद पाउडर बनेगा उसका, उसको छान लेना है। छानने से क्या होता है, उसका पाउडर जो है वो आपको बहुत ही क्रीमी सा मिल जाएगा, टेक्सचर उसका जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। उसमें आपने सिर्फ पानी ऐड करना है, पानी ऐड करके आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। जिनकी ऑयली स्किन है उनको कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पानी के साथ अगर आप लगा के छोड़ दोगे, 15-20 मिनट छोड़ देने के बाद आप उसका रिज़ल्ट देख सकोगे कि आपकी स्किन से ऑयलनेस काफ़ी हद तक चली जाएगी और जो आपका ग्लो है, नेचुरल ग्लो है, वापस आ जाएगा। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो इसका जो टेक्सचर है पाउडर का वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जो उसका ऊपर से दरदरा सा बच जाता है छानने के बाद, उसको भी आप रख सकते हैं। उसको आप एज ए स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्स लिया हुआ है, पाउडर भी ऐड किया हुआ है, ऊपर से उसका जो दरदरा पाउडर होता है वो भी उसमें ऐड किया हुआ है। अब इसमें मैंने पानी डाला है जस्ट सिंपल, तो मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैंने पानी के साथ इसको अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी, तो इससे पतली सी लेयर बन जाएगी स्किन के ऊपर, जैसे कि मैं अभी आपको अप्लाई करके बताऊँगी। ये देखिए, ये चावल का जो पार्ट है वो हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। ये दरदरा मैंने इसलिए रखवाया है क्योंकि ये आपको स्क्रब का काम करेगा। बाद में सूखने के बाद अपने हल्के हाथों से हल्का थोड़ा सा पानी लगा के आप इसको गिरा भी सकते हैं, तो ये आपकी स्किन में से डेड सेल्स भी निकालने में हेल्प करेगा, इम्प्रूवमेंट होगी आपकी स्किन में। अगर आप ये डेली लगाते हैं तो जो आपकी स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगी और आपकी स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। ये मैं गारंटी से बताती हूँ क्योंकि मैंने एक दो बार ही इसको अप्लाई किया, मेरे काफ़ी हद तक जो मेरे दाग धब्बे थे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ क्योंकि पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देखती हूँ, अगर मुझे कुछ रिज़ल्ट लगता है कि हाँ इससे कोई फ़ायदा होगा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चावल जो है ये, वैसे इसका जो पाउडर है चावल का, ये क्रीम्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। जो बोलते हैं कि क्रिस्टल क्लियर स्किन आपको देंगे हम, कोरियन स्किन जैसी स्किन चाहिए, तो वो ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ये चावल का पाउडर ही यूज़ करते हैं। अब इसको लगा लिया है मैंने, बाकी जो बच जाता है अपने हाथों पैरों पे लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद आप इसको सूखने तक छोड़ दीजिए। सूखते ही इसको आप हल्के हाथों से पानी लीजिए हल्का सा, बस अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते रहिए, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा और आपकी स्किन जो है काफ़ी ग्लोई होगी। तो ये सिंपल सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर की है। अगर आपकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हम अपना फेस वॉश कर रहे हैं, यहाँ पे ये सूख चुका है। हल्के हाथों से ऐसे पानी लेना है और अपने फेस को रब करना है सर्कुलर मोशन में, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे काफ़ी हद तक फर्क पड़ चुका है और मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है यहाँ पे। तो आप भी इस वीडियो को, सॉरी, आप भी इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।